गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव प्रताप सिंह। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एट RPS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा। और मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका उपयोग यह करते हैं हम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, ठीक। और सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, ठीक। मेनली क्या है, इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है जितनी भी हमारी रेफ्रिजरेशन यूनिट हैं, ठीक। तो रेफ्रिजरेशन यूनिट से क्या तात्पर्य है, जैसे छोटी रेफ्रिजरेशन यूनिट AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रिजेस, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ बड़े स्तर पर जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, रेफ्रिजरेशन प्लांट के इरेक्शन टेक्निक, इरेक्शन का मतलब कि किस प्रकार से उसको इंस्टॉल किया जाए या फिर उसको लगाया जा सके, उसके प्रयोग हेतु। और साथ ही साथ सर्विसिंग, सर्विसिंग का तात्पर्य है जब क्या है, किसी भी यूनिट को लगाया जाएगा तो उसके उपरांत क्या है, उसकी मेंटेनेंस करना आवश्यकता रहेगी। समय समय पर क्या है, मेंटेनेंस की ज़रूरत मशीन्स को पड़ती रहती है, ठीक। तो उसकी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब मेंटेनेंस की तो हो सकता है उसके बाद क्या हो जाए, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी क्या है, हम इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इसको क्या है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, RAC प्लांट का नाम दे दिया जाता है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, पूरी तरीके से जो भी प्लांट के अंदर हम यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, यूनिट जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है, उसमें टूल्स यूज़ होंगे किसी न किसी प्रकार के। अब यूनिट में क्या है, जो भी टूल्स यूज़ किए गए उनके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ क्या है, जब उसको इंस्टॉल करना है तो किस प्रकार से उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ के बारे में क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे। इरेक्शंस में भी क्या कर लिया जब हमने उसको इंस्टॉल करने का पूरा तरीका। अब बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या, जैसे रूम टेम्परेचर पे हमें क्या है, अपने रूम को क्या करना है, ठंडा करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम AC का प्रयोग करते हैं, ठीक। AC का काम क्या है, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक। ये क्या एक तरीके की यूनिट है, इसको छोटी यूनिट का नाम दिया जा सकता है, इसको प्लांट का नाम नहीं देंगे, लेकिन ये किस में आता है, रेफ्रिजरेशन प्लांट की व्याख्या में ही आता है। अब जैसे हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से रेफ्रिजरेशन यूनिट्स ही हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और जैसे भी इसकी सर्विसिंग करनी है, सर्विसिंग का तात्पर्य जब भी क्या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए जो भी हमें प्रयोग में लाया जाना है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। अब रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए क्या कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कूलेंट्स का यूज़ किया जाता है मेनली, और रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया जाता है। अब जैसे क्या है, हमें सब्जियां, फल और जो भी खाने के पदार्थ हैं उनको एक नियत तापमान पर स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जिस नियत तापमान पर वो स्टोर रहेंगे तो अधिक समय तक स्टोर रहेंगे, ठीक। अब रेफ्रिजरेशन यूनिट में बात करें साथ में, तो ACs की बात करें, AC क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं तो उससे क्या तात्पर्य है कि जो भी RAC प्लांट्स हैं वो करते हैं, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और साथ ही क्या हमारे रहने लायक उस एरिया के टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं, ये कुछ क्या यूनिट्स हैं, एक रेफ्रिजरेशन यूनिट। पहले देखें, पहले क्या है, AC। AC का मेनली क्या है, ये विंडो AC दिख रहा है आपको। विंडो AC का काम क्या है, इस एरिया के टेम्परेचर को निर्धारित करना अपने नियत अनुसार, जिस प्रकार का हम टेम्परेचर निर्धारित करना चाहेंगे वो टेम्परेचर क्या करेगा, वो पूरा नियत करेगा, ठीक। AC का यूज़ किया जा रहा है पूरे रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बगल में देखें साथ में क्या है, रेफ्रिजरेटर्स हैं। रेफ्रिजरेटर आपने काफ़ी शॉप्स पर, दुकान पर या बड़े बड़े प्लांट में देखे होंगे, ठीक। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है एक नियत तापमान पर हमारे फल, सब्जियां आदि को अधिक समय तक क्या करना, संग्रहित करना, क्या करने के लिए, अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए। साथ ही साथ क्या है, हमारे पेय पदार्थ, पानी या वाटर कूलर्स, इनका प्रयोग किस लिए करते हैं, हम पानी को ठंडा करने के लिए, उन सब का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने के लिए, अर्थात हिंदी में कहें तो प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने हेतु, जिसके द्वारा क्या है,
अधिक समय तक किसी भी वस्तु को उपयोग में लाया जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये सारे फ्रिजेस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनका उपयोग किया जाता है, एसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नीचे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या इस तरीके के बड़े बड़े एरिया में, जैसे हमारे ऑफिस हैं, इन सब में भी क्या है, इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग करते हैं। एसीज में स्प्लिट एसी का यूज़ करते हैं, विंडो एसी का यूज़ करते हैं, पोर्टेबल एसीज का यूज़ करते हैं। ये सारी यूनिट्स क्या करती हैं, हम प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या है, एक नियत तापमान पर सभी वस्तुओं को या रूम को या परिक्षेत्र को निर्धारित किया जा सके और अपनी सुगमता और सरलता के अनुसार उसका उपयोग कर सकें। इसके हेतु क्या करते हैं, हम इस प्रकार के यूनिट का प्रयोग करते हैं। हम इन्हीं यूनिट का क्या इंस्टॉल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या है, अगर किसी भी प्रकार की इनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, वो सारी चीज़ भी क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी समस्या या का निवारण करके आराम से उसको स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। मेनली रेफ्रिजरेशन का यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि अपने क्या है, टेम्परेचर को निर्धारित करना, ठीक। अब मॉल्स में देखा होगा आपने, बड़े बड़े मॉल में क्या रहता है, एक बड़ी एज क्षेत्र के टेम्परेचर को निर्धारित किया जा सकता है, ठीक। उसके लिए भी क्या करते हैं, हम इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की रेफ्रिजरेशन यूनिट ही है। इनका प्रयोग क्या हो रहा है, केवल बड़े स्थानों पर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए। अब बड़े स्थान किस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा ऑडिटोरियम हॉल्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, प्लांट बोले तो जिस तरीके के फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, जहाँ पर क्या है, खाने को बनाकर क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यानी कि पैक वगैरह किया जाता है, तो वहाँ क्या, हमेशा एक निर्धारित तापमान रहना चाहिए। अगर निर्धारित तापमान नहीं रहेगा क्या होगा, वो वहीं जब पैकिंग की जा रही है तभी क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक। और आपने देखा होगा आलू वगैरह या जितने भी फल हैं, इनको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, इसी प्रकार की डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसी प्रकार की डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कोल्ड स्टोर्स वगैरह में, ठीक। तो जब भी क्या एक बड़े एरिया में हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है या प्रशीतन प्रभाव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रशीतन प्रभाव, जब भी ये उत्पन्न करना होता है तब क्या करते हैं, हम इस टाइप की बड़े यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या एक बड़े एरिया में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। और जिस भी प्रयोग में लाना है, जैसे उस एरिया के एनवायरनमेंट को सेट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या हो, अपने उपयोग अनुसार जैसा हमें चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोर्स वगैरह में क्या है, पटेटो टमाटो या आलू वगैरह ये सब क्या है रखे जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वहाँ अपने नियत तापमान पर टेम्परेचर स्थापित करके और अधिक समय तक, अर्थात लंबे समय तक क्या है, उन वस्तुओं को आसानी से रखा जा सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस प्रकार की यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या थे हमारी यूनिट्स ही कुछ, जिनका प्रयोग हम करते हैं। अब क्या मतलब है नेक्स्ट चीज़, वॉट इज़ मीन ऑफ रेफ्रिजरेशन, अर्थात रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था, रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य क्या है, किसी भी एरिया में क्या करना, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना, क्या कहलाएगा, एक तरीके से रेफ्रिजरेशन ही कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते, क्या करें, द टर्म रेफ्रिजरेशन मीन्स, द टर्म रेफ्रिजरेशन मीन्स कूलिंग स्पेस सबस्टेंस और सिस्टम टू लोअर एंड टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर बिलो द एम्बियंट वन। इन अदर वर्ड्स रेफ्रिजरेशन इज आर्टिफिशियल कूलिंग, क्या एक तरीके की आर्टिफिशियल कूलिंग है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड ट्रांसफर टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये तो क्या है, बेसिक चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या
जब भी क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है तो हीट को हटाया जाएगा कहाँ से, लो टेम्परेचर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, हाई टेम्परेचर। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, एक तरीके से किसी स्थान, पदार्थ अथवा सिस्टम को क्या करना, ठंडा करना या तापमान प्रवेश के नीचे बनाए रखना। यानी कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, बहुत अधिक है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं हम, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे हमारे जो एसीज हैं उनका क्या काम है, बाहर का जो टेम्परेचर है उससे क्या है, कम टेम्परेचर बनाए रखना, कहाँ के लिए, हमारे रूम्स के लिए। उसमें किसका यूज़ करते हैं हम, एसीज का यूज़ करते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या, प्रशीतन कृत्रिम शीतलन है, बिल्कुल सही बात है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियल सिस्टम है। ठीक, ये कोई क्या है, नेचुरल सिस्टम नहीं है। नेचुरल सिस्टम तो क्या है हमारा, जो बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो एक रूम टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पर नियत रहता है। ठीक, अब जैसे क्या है, बाहर गर्मी अधिक है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे जैसे ठंड आएगी ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो वो एक तरीके से क्या है, नेचुरल रेफ्रिजरेशन है। ठीक, जो भी रेफ्रिजरेशन क्या है, हम मशीन्स या उपकरणों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, कृत्रिम या आर्टिफिशियल कूलिंग कहते हैं। ठीक, अब मेनली क्या होता है रेफ्रिजरेशन में, होता क्या है इसमें, क्या होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को, जो ऊर्जा होती है उसे कम तापमान वाले जलाशय, जलाशय का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम कह सकते हैं, से हटा दिया जाता है और उच्च तापमान वाले जलाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या करते हैं हम, जो भी, जब भी किसी एरिया को या किसी सिस्टम को हमें ठंडा करना होता है तो क्या करते हैं, जो भी कम टेम्परेचर का तापमान है, कम टेम्परेचर का तापमान मतलब जैसे क्या है, एसी का प्रयोग किस तरीके से होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। ठीक, उसको और ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हमारे एसीज, एसी क्या करते हैं, अंदर से जो भी है एक्स्ट्रा हीट है, ठीक, उसको क्या करते हैं, एसी बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी आप एसीज होते हैं, अब एसी किस तरीके से, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये सारे क्या एसीज होते हैं। अब देखा होगा विंडो एसी में क्या रहता है, जो एसी का पिछला हिस्सा होता है वहाँ से क्या रहता है, गर्म हवाएं बाहर निकलती रहती हैं, क्या रहती हैं, गर्म हवाएं बाहर निकलती रहती हैं। सेम हम स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी में क्या होता है, साथ ही साथ जितनी भी वैसी हवाएं हैं वो क्या रहती हैं, डक्ट के सहारे बाहर निकलती रहती हैं। यानी कि उसका जो अलग यूनिट रहती है उसके ज़रिए क्या रहता है, वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक, तो मेनली रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, जितने भी लो टेम्परेचर डिवाइस हैं उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके, अर्थात बाहर निकाल कर हाई टेम्परेचर सोर्स को दे देना। यही क्या करता है, ये काम होता है किसका, रेफ्रिजरेशन का। इसी के द्वारा क्या होता है, सिस्टम को ठंडा रखा जा सकता है। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन का मेन तात्पर्य क्या हो गया, जितनी भी लो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है हमारी, लो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लो सोर्स ऑफ एनर्जी मान लिया, क्या कर लिया हमने, उसका टेम्परेचर मान लिया T1 है। ठीक, तो वहाँ से टेम्परेचर कहाँ ट्रांसफर कर देता है, T2 को, यानी कि हीट सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर कर देता है, T2 के। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो T2 का टेम्परेचर है आउटसोर्स है, वो क्या हो जाएगा हमारा, T1 से ऑलवेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम किसका होता है, रेफ्रिजरेशन का। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन प्लांट। अब रेफ्रिजरेशन प्लांट्स क्या होते हैं या प्रशीतन संयंत्र, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्या क्या इसमें लिखा है, अ सरफेस प्लांट, अ सरफेस प्लांट टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ फ्रोजन ग्राउंड इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ शाफ्ट शिंकिंग। ठीक, तो इसका क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से, जो जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन प्लांट है उनका काम क्या होता है, जो भी बैरियर आ गए हैं किसको, ठंडा करने के लिए किसी भी वस्तु को, जैसे क्या है, रूम के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, या फिर क्या है, वस्तुओं का क्या है, अधिक समय तक स्थापित करने के लिए जो बैरियर आ रहे हैं, यानी कि जो बाधाएं आ रही हैं बीच में, उनको हटा देना, उनको क्या कर देना, हटा देना। अब एसी क्या बात है, दूर करता है, जो भी हमारे रूम में एक्स्ट्रा हीट है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये काम किसका हो गया, एक तरीके से रेफ्रिजरेशन प्लांट का या रेफ्रिजरेशन यूनिट का। रेफ्रिजरेटर क्या काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी सेम काम करते हैं, जितने भी हमारे क्या हैं खाने के पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। धीरे धीरे क्या है, अपने जो अंदर उनकी ऊष्मा स्थापित होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, बाहर निकालते हैं और वो क्या होते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं। यही काम क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, उनकी ऊष्मा को क्या करता है, एकदम ठंडा कर देता है, स्टोर्ड कर देता है,
जिससे क्या है हीट बाहर नहीं निकल पाती पूरी तरीके से, और वो क्या रहता है अधिक समय तक हम अपने उपयोग हेतु ला सकते हैं। सेम एज क्या होता है डीप फ्रीजर का यूज़ किया जाता है। डीप फ्रीजर का यूज़ किस लिए करते होंगे, जैसे आपने डेयरी फार्म्स पर देखा होगा जितनी भी क्या है आइसक्रीम्स हैं या पनीर वगैरह या फिश वगैरह है, इन सबको क्या है जब भी हमें एक तरीके से स्टोर करना है तब क्या करते हैं हम रेफ्रिजरेशन प्लांट्स या डीप फ्रीजर्स का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं एक अधिक यानी कि डीप फ्रीजर की क्या है क्वालिटी ये होती है कि वो टेम्परेचर को बहुत मिनिमम तक पहुंचा देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं बहुत मिनिमम तक, बहुत मिनिमम तक हो जाएगा यानी कि ऊष्मा अच्छे से निहित हो जाएगी, तो बहुत अधिक समय तक उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्या हमारे टर्म में यूज़ है, अब जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा क्या रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग सब्जेक्ट का नाम है, तो उसमें क्या रेफ्रिजरेशन प्लांट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या इरेक्शन, इरेक्शन क्या चीज़ होती है, इरेक्शन का मतलब आपको बताया था क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल और इस्टेब्लिश द यूनिट, क्या करना किसी भी यूनिट को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए या इस्टेब्लिश किया जाए, अर्थात किसी इकाई को स्थापित करना, किसी इकाई को क्या करना स्थापित करना, किसका काम होता है ये काम होता है मेनली इरेक्शन टेक्नोलॉजी का, किसका काम होता है ये इरेक्शन टेक्नोलॉजी का। अब इरेक्शन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से काम होगा, जब भी क्या है हमें कोई भी यूनिट फिक्स करनी है, कोई भी यूनिट हमें फिक्स करनी है। अब सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं एसी का, जब भी क्या करना होता है हमें एसी फिक्स करना होता है, एसी फिक्स करते हैं, अब स्प्लिट एसी की बात करें या विंडो एसी की बात करें, तो विंडो एसी जब भी हम क्या कर रहे हैं फिट कर रहे हैं अपने रूम के लिए या किसी भी एक सिस्टम बॉडी या एनवायरनमेंट के लिए, तो क्या करते हैं सबसे पहले उसको कहाँ फिट किया जाना है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक, और सबसे मेन बात क्या होती है जब भी विंडो एसी को फिट करना है तो हम देखते हैं कि उसकी क्या है एक नियत दूरी होनी चाहिए, किससे फर्श से या फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से क्या होनी चाहिए नियत ऊंचाई होनी चाहिए, वहीं पर क्या करते हैं हम अपनी यूनिट को फिक्स करते हैं। अब विंडो एसी क्या सबसे सिंपल यूनिट है फिक्स करने के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके विंडो में एक स्पेस होना चाहिए जहाँ क्या किया जा सके एसी यूनिट को आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सके, क्या किया जा सके एसी यूनिट को आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सके, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब इस्टेब्लिश किया है तो उसके साथ साथ क्या है उसकी हीट जो निकलेगी वो बाहर निकलनी चाहिए, अर्थात विंडो एसी का जो लगाया गया है उसके पीछे जो एरिया है वो थोड़ा खाली स्पेस होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है आसानी से किसी भी जो भी ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको आसानी से निकलने दिया जा सके। अब हमने क्या है ऊष्मा निकलने के लिए स्थान छोड़ दिया, उसके उपरांत क्या है यूनिट किसी ना किसी तरीके से चलाई जाएगी, और मेन माध्यम क्या है रेफ्रिजरेशन यूनिट को चलाने का इलेक्ट्रिकसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब उसके लिए क्या है हमारे यूनिट के पास स्विचेस होने चाहिए, प्लग बोर्ड्स होने चाहिए जहाँ के द्वारा क्या है उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान किया जा सके और वो उसका प्रयोग करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या कर सकें जनरेट कर सकें। सेम एज रेफ्रिजरेटर को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब स्प्लिट एसी को फिक्स किया जाता है तो साथ में क्या एक यूनिट उसकी रूम के अंदर लगाई जाती है जहाँ से क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करते हैं, और जो भी एक्सट्रैक्ट करनी होती है हीट उसके लिए क्या करते हैं दूसरी यूनिट कहाँ लगाई जाती है बाहर लगाई जाती है। ठीक, वो दो यूनिट में काम करता है, दोनों को क्या करते हैं हम कॉपर पाइप्स के जरिए इंसुलेटेड कॉपर पाइप मेनली क्या होते हैं इंसुलेटेड कॉपर पाइप, उनके ज़रिए क्या किया जाता है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है आसानी से जो भी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है अर्थात जो ऊर्जा निकाली जानी है वो बाहर परिवेश में निकाली जा सके। ठीक, अब रेफ्रिजरेटर्स को फिक्स किया जाता है। ठीक, वहाँ भी पावर सोर्स होना चाहिए। वाटर कूलर्स को फिक्स किया जाता है, तो वाटर कूलर का मेन काम क्या है पानी को ठंडा बनाए रखना, क्या करना पानी को ठंडा बनाए रखना। तो पानी को ठंडा बनाए रखने के लिए वाटर कूलर्स क्या करते हैं सबसे पहले उसके वाटर का इनलेट सोर्स होना चाहिए और साथ में क्या है वाटर आउटलेट सोर्स भी होना चाहिए। अब वाटर कूलर क्या है कई प्रकार के होते हैं, इंस्टेंट वाटर कूलर भी होते हैं यानी कि तुरंत पानी आता है और उसको तुरंत ही ठंडा करके वो आगे भेज देते हैं। कुछ स्टोरेज टाइप वाटर कूलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं पानी जब आता है तो उसको अपने एरिया में स्टोर करते हैं, तब उसको ठंडा करते हैं, देन क्या करते हैं आगे सप्लाई करते हैं। तो वो क्या हो गया दो टाइप के अलग अलग मतलब टाइप के क्या होते हैं वाटर कूलर्स का प्रयोग किया जाता है, तो उनको इंस्टॉल करने के लिए पाइपिंग सिस्टम होना चाहिए, साथ में क्या है पावर सोर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो इरेक्शन में मेन काम क्या है कि किसी भी यूनिट को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जा सके, इस
ये किस में आता है, इरेक्शन में यूज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, सर्विसिंग। क्या है सर्विसिंग? सर्विसिंग का मतलब क्या है, टू एग्जामिन एंड इफ नेसेसरी टू रिपेयर अ मशीन। एग्जामिन और टू एग्जामिन एंड इफ नेसेसरी टू रिपेयर अ मशीन, यानी कि सर्विसिंग का मतलब क्या है, जब क्या है कोई भी यूनिट है उसको क्या है एक समय पर सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, जब भी क्या पड़े उसको सर्विस की आवश्यकता पड़े, किसकी आवश्यकता पड़े, सर्विस की आवश्यकता पड़े, तब उसकी क्या की जाती है, सर्विसिंग की जाती है, सर्विसिंग की जाती है। अब सर्विसिंग में क्या किया जाता है, मेनली मशीन को सबसे पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। चेक करने का मतलब उसको एग्जामिन करना, क्या करना, एग्जामिन करना, एग्जामिन करने का यानी कि उसकी जांच करना पूरी तरीके से, क्या करना, उसकी जांच करना। अब जांच भी किस प्रकार से की जाएगी, जांच मेनली की जाएगी जब भी क्या कोई सर्विस की जानी है तो हम देखेंगे कि यूनिट सही प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक, अब एसी को ही चेक करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें क्या है, गैस सही से फिल्ड है कि नहीं, क्या फिल्ड है, गैस। ठीक, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या है, उसमें गैस के रूप में जो भी यूज़ होते हैं उन रेफ्रिजरेंट को, जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो जनरेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेंट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, रेफ्रिजरेंट का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेंट चेक करने हैं कि वो सही से फिल्ड हैं क्या नहीं, ऐसा तो नहीं उनकी मात्रा कम हो गई हो, साथ ही साथ क्या उसके उपरांत उसकी पाइपिंग सही से काम कर रही है, किसी प्रकार की डस्ट वगैरह तो नहीं आ गई है, और वो कूलिंग इफेक्ट सही से जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो भी देखते हैं हम, उसमें क्या है, उसमें भी गैस यूज़ की जाती है। ठीक, अब उसमें गैस यूज़ की जाती है तो गैस क्या है, सही प्रकार से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बचा है उसमें या नहीं बचा है, वो सही से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट कर रही है या नहीं जनरेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सब चीज़ की जाती हैं चेक में या फिर एग्जामिन में। ठीक, सबसे पहले ये चेक कर ली, अगर ये चेक करा उसके उपरांत कोई प्रॉब्लम आई, इसमें क्या आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम मशीन की सर्विसिंग करते हैं, क्या करते हैं उसकी सर्विसिंग, उसके बाद क्या करते हैं, मशीन की सर्विसिंग करते हैं। सर्विसिंग में क्या करते हैं, मशीन को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं उसको, रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब रिपेयर भी किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि पूरी मशीन को हम खोल दें उसके बाद उसको रिपेयर करें, नहीं, रिपेयर में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले रिपेयर के लिए मशीन में जो भी इंस्टॉल्ड पार्ट हैं यानी कि जो भी पार्ट्स हमारे यूज़ किए गए हैं उन सबको क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं, क्या करते हैं, वॉश करते हैं। लेकिन वही पार्ट्स वॉश किए जाते हैं जो क्या, हम वॉशेबल हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी पार्ट को वॉश कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, केवल वही पार्ट जो वॉश किए जा सकते हैं उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। उसके उपरांत क्या है, उनमें जो भी क्या डस्ट वगैरह जमा है, क्या है मेनली जो भी चीज़ जमा होती है वो क्या जमा होती है, डस्ट जमा होती है। तो सबसे पहले क्या डस्ट वगैरह को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, साथ ही क्या उसका इंसुलेशन चेक करते हैं, क्या करते हैं उसका इंसुलेशन, इंसुलेशन का तात्पर्य होता है कि उसमें क्या किसी प्रकार का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, अगर किसी प्रकार का लीकेज है तो उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और उसके उपरांत क्या पूरी मशीन को रिपेयर कर लेते हैं अगर आवश्यकता होती है तो, अगर उससे अधिक आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, मशीन को अपने स्थान से हटा कर दोबारा पूरी तरीके से उसे रिपेयर करके आगे उपयोग हेतु ले लिया जाता है। ठीक, तो ये तो क्या था आपके तीनों टर्म्स जिसका क्या यूज़ किया जाना है बेसिकली। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है, बेसिकली ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें पढ़ने के लिए, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इज़ वन ऑफ द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। सोसाइटी के लिए ज़रूरत है और काय के लिए, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है। इट इज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज सो एसेट इन Futile here to say anything about its importance and unit, यानी कि पहले से क्या है इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए और क्या है पूरी तरीके से यूटिलिटी किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे क्या है उपयोग की वस्तुएं हैं उनका क्या करना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए। द सब्जेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, सब्जेक्ट को क्या है हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक, मेनली क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन मेंटेन्स एयर कंडीशनिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन आधुनिक समाज का और उद्योग की ज़रूरतों में से एक है, बिल्कुल सच बात है ये। इनका क्या है, जितने भी हमारे
घर हैं अथवा जो भी उपयोग हेतु यूज़ किए जाने हैं वहाँ क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेशन यूनिट का यूज़ करते हैं। और उद्योगों में तो क्या है, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया ही जाता है। यह पहले से ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में कुछ भी कहना यहाँ व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है, क्या है, पहले से ही ये मान्यता प्राप्त है कि कोई ना कोई कूलिंग इफेक्ट जनरेट करके हम क्या करेंगे, उसको अधिक समय तक उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, पहले से मान्यता प्राप्त का क्या तात्पर्य है, पहले से मान्यता प्राप्त का तात्पर्य है कि अब आपने पुराने टाइम में देखा होगा, पुराने टाइम की बात या अभी की बात की जाए तो अभी भी क्या है, गाँव में या कुछ इलाके जहाँ पर क्या है थोड़ी असुविधा है वहाँ क्या करते हैं, देखा होगा आइस को क्या करते हैं, भूसे में अंदर रख देते हैं, अंदर भूसे वाले या फिर क्या है किसी भी जैसे वो देखे होंगे जूट वगैरह के होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या है उनको अधिक समय तक बनाए रखा जा सके। ठीक है, और साथ ही क्या देखा होगा, वाटर कूलर्स मेनली क्या यूज़ होते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए, और दूसरा उपयोग क्या किया जाता है एक तरीके से ठंडा करने के लिए, घड़ों का उपयोग भी किया जाता है, वो भी क्या एक तरीके से पुरानी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स हैं जिनका क्या किया जाना है प्रयोग किया जाता है, और ये पहले से ही यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी यूज़ करना शुरू किए गए हों, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब ये क्या है पहले से ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या तीन भागों में हम यूज़ देखते हैं, एक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग प्लांट और सेवा, यानी कि उसकी सर्विसिंग, किस तरीके से उसकी सर्विस की जानी है। ठीक है, अब लर्निंग आउटकम्स, मतलब इसको पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं। ठीक, तो मेनली हम देखेंगे क्या फ़ायदे हैं, पहला क्या, एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करना समझाया जाता है, इसमें किस प्रकार से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट लेआउट, अब रेफ्रिजरेशन प्लांट लेआउट का क्या मतलब है, कहीं तो क्या है अगर घर में इंस्टॉल करना है तो छोटे एरिया में इंस्टॉल करना है जो आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा, लेकिन जब इनका प्रयोग क्या किया जाना है अधिक बड़े स्तर पर अर्थात उद्योगों के स्तर पर जब किया जाना है तब क्या करते हैं पूरा प्लांट लेआउट का हम इसके में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारी रेफ्रिजरेशन यूनिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे जितने भी क्या मॉल्स वगैरह हैं वहाँ क्या क्या करते हैं, डक्ट के सहारे से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करते हैं। अब डक्ट क्या होती हैं, मेनली डक्ट आपने देखी होंगी जब भी मॉल्स वगैरह में ऊपर क्या करते हैं एल्यूमिनियम की चादर के बने कुछ चौकोर या गोल बॉक्सेस होते हैं जिनमें से क्या आती रहती है कूलिंग एयर आती रहती है। ठीक, वही क्या करती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन ऑपरेशनल एंड रूटीन मेंटेनेंस प्रोसेस, बिल्कुल सही, अगर कोई भी यूनिट हम यूज़ करने हैं तो उसको क्या है उसका परिचालन बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरत होती है, नियमित रखरखाव की प्रक्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको अधिक समय तक सही तरीके से उपयोग में किया जा सके। ठीक, अब नेक्स्ट क्या, डिस्क्राइब ट्रबल शूटिंग इन रेफ्रिजरेशन प्लांट, ट्रबल शूटिंग का तात्पर्य है कि जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं, ठीक, यानी कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको किस तरीके से निवारण किया जा सके, वो भी हम क्या करते हैं अपने आरएसी प्लांट में पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्या है, डिस्कस द मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट इक्विपमेंट, अब एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसमें क्या अकेली यूनिट नहीं होती, साथ ही क्या होते हैं उसमें बहुत सारे उपकरण भी होते हैं। अब जैसे हमारा स्प्लिट एसी है तो उसमें क्या है बाहर एक कंडेंसर लगा हुआ है जो क्या करता है हीट को बाहर निकाल देता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनका भी रखरखाव करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या था आपका पूरा का पूरा जो भी रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग का तात्पर्य था। ठीक है, उसका क्या प्रयोग है, क्या उससे आउटकम्स मिलते हैं और किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में हम देख लें तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले जो हमारा पहली यूनिट है उसमें क्या है इम्पॉर्टेंट सर्विसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो भी हमारे टूल या इक्विपमेंट क्या करने हैं रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक, ट्यूब कटर है, फ्लेयरिंग टूल्स है, बेंडिंग टूल्स है, स्वेजिंग टूल्स, पिंचिंग टूल्स, प्रेशर गेज, रैचेट वॉल्व की, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर, गेज मैनिफोल्ड, रेफ्रिजरेंट, चार्जिंग स्टेशन, ये सब क्या है अलग अलग हमारे उपयोग में लाए जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है,
जो क्या इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, रेफ्रिजरेंट एंड वाटर पाइपिंग, यानी कि पाइपिंग सिस्टम किस तरीके से इंस्टेबल करना है, ठीक। नेक्स्ट यूनिट क्या है, इंस्टॉल ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एसी मशीन, यानी कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाना है। इंस्टॉल में क्या क्या, रेफ्रिजरेटर किस तरीके से इंस्टॉल होना है, वाटर कूलर, विंडो एसी, इसमें स्प्लिट टाइप भी है, पैकेज एसी, अब दो टाइप के पैकेज, एसी वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड, ठीक। एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU कहते हैं जिसको, और फैन कूलिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें क्या है, किस तरीके से किसी भी प्रवेश या क्षेत्र में हमें इंस्टॉल करनी है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट क्या है, इरेक्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। इरेक्टिंग का मतलब बताया था आपका, इंस्टॉल करना किस तरीके से, तो नीड बेस्ड लेआउट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, बड़े एरिया में क्या है, अपनी ज़रूरत के आधार पर कैसा लेआउट हमें तैयार करना है, क्योंकि जैसा स्पेस हमें मिलेगा, जैसा एरिया हमें मिलेगा, उसी प्रकार से क्या है, हमें रेफ्रिजरेशन प्लांट स्थापित करना होगा। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे क्या, इंस्टॉल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, ठीक। अभी बताया था आपको रेफ्रिजरेशन प्लांट में क्या, रेफ्रिजरेशन यूनिट के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको क्या स्टेबल करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक। इरेक्टिंग ऑफ प्लांट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना एक तरीके से। इरेक्टिंग ऑफ डक्ट ग्रिल, यानी कि अभी बताया था आपको कूलिंग्स किस तरीके से जनरेट करते हैं मॉल में, डक्ट्स और ग्रिल की माध्यम से, तो वो किस प्रकार से लगाए जाएं, ठीक। और अगला क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रिकॉशन इन इंस्टॉलिंग एंड इरेक्टिंग, यानी कि जब भी हम क्या है कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के प्रिकॉशन लेने हैं इंस्टॉल में, और उसके सर्विसिंग वगैरह आदि में, वो सब भी चीज़ क्या है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी, ऑपरेशन एंड रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस या ऑपरेशन, ठीक। मेंटेनेंस से तो तात्पर्य आप समझ गए, यानी किस तरीके से उसका रख रखाव करना है, क्या करना है उसका रख रखाव, ठीक, किस तरीके से उसका रख रखाव करना है, ठीक। तो इसमें क्या ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर प्रोसीजर्स होंगे, ठीक। स्टार्टिंग सीक्वेंस किस तरीके से स्टार्ट करना है, इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ईच स्टेप, यानी कि हर स्टेप किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। रूटीन मेंटेनेंस मतलब समय समय पर एक प्रकार से मेंटेनेंस करते रहना, ठीक। रूटीन मेंटेनेंस के ऑपरेशंस क्या हैं, ठीक। पंपिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालना किससे, रेफ्रिजरेशन यूनिट से, जब क्या है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑटोमेटिक जब कम हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक। यही रिमूव करना और फिल करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग कहते हैं, ठीक। पर्जिंग ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेज, यानी कि उन गैसेज को भी साथ में बाहर निकाल देना। और नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विस एंड ट्रबल शूटिंग। अब इसमें क्या है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे कि अगर फेलियर हो जाता है तो किस तरीके से ऑपरेट करना है प्लांट को, ठीक। एफिशिएंसी कंप्रेशर की किस तरीके से इंक्रीज करनी है, डिस्चार्ज प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, सुपर हीटिंग, चेकिंग एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो उसके बारे में क्या है हम देखेंगे किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाना है मेंटेनेंस के टाइम, और अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका निवारण किस तरीके से किया जाए। लास्ट यूनिट है आपकी क्या, मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड ओवरहॉलिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या है, जो भी कंप्रेशर वगैरह यूज़ हो रहे हैं इनकी ओवरहॉलिंग प्रोसेस, यानी कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है तो इसको बाईपास करके हम कैसे कुछ समय तक क्या है अपने प्लांट को चला सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। कंप्रेशर यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या है मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, रिसीवर, ह्यूमिडिफाई पंप, फैन, फिल्टर्स, ठीक है। और साथ ही क्या, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज़ हो रही हैं, मोटर्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही क्या कुछ और भी चीज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैसे मेनली कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, करेंट और पोटेंशियल OLPs को, थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने वाला, हाई लो प्रेशर कंट्रोल, सोलेनोइड वॉल्व, वॉल्व का प्रयोग भी इसमें किया जाना है, वो सब हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ भी क्या है हम इसमें पढ़ेंगे।
ठीक है। अब इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स की बात की जाए तो बुक्स क्या है, बेसिकली ज़्यादा बुक्स इसके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर केवल डिप्लोमा लेवल पर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई बुक पब्लिशर नहीं निकालता है। तो इसके लिए क्या है, हम मेनली स्टैंडर्ड जो बुक है वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक में कौन सी है, एक इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन हैंडबुक है, ये क्या है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है, ऐसी हैंडबुक है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन की, ये भी मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है। और साथ ही क्या जो भी ई बुक्स ई टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं इस पर AICTE आदि की वेबसाइट्स वगैरह पर, वो भी क्या है हम इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ के जरिए। ठीक ठीक थैंक यू। तो यहीं तक क्या था आज का हमारा लेक्चर था। अब अगले लेक्चर से क्या है, हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या पढ़ना है हमें, जिसमें मेनली पढ़ना है हमें अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में, जितने भी हमारे टूल्स यूज़ किए जाने हैं और सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाने हैं। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।